सारेगामापा और तारे जमी पर में अपनी आवाज के जादू से देशवासियों को मंत्रमुग्ध करने वाली सिंगर रत्निका श्रीवास्तव द्वारा सुमधुर गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर दैनिक भास्कर फनफेस्ट की शाम को यादगार बना दिया। वहीं नाट्य लोक संस्था द्वारा पेश किया गया नुक्कड़ नाटक स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत डांस टू एक्सप्रेस ग्रुप के कलाकारों द्वारा दी गई प्रस्तुति भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। हम साल में दो गलती करते हैं गणेश चतुर्थी को। सुमधुर गीत संगीत से सजी शाम का ये नजारा है कल्चरल स्ट्रीट में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित फैमिली फन फेस्ट का, जहां पर सारे गामापा, लिटिल चैंप और तारे जमी पर जैसे रियलिटी शो में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी सिंगर रत्निका श्रीवास्तव द्वारा एक से बढ़कर एक सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही डांस टू एक्सप्रेस ग्रुप के कलाकारों की बेमिसाल पेशकश ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दैनिक भास्कर फनफेस्ट ने कलाकारों को मंच प्रदान किया है और शहर के कलाकार भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। पहली बार बहुत अच्छा दैनिक भास्कर ने फैमिली फन फेस्टिवल चालू किया है, तो बहुत प्रशंसनीय है और बहुत लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां जबलपुर के जो कलाकार हैं, एक से एक कलाकार हैं, वहां प्रस्तुति दे रहे हैं और जो कलानिकेतन के जो विद्यार्थी हैं उनके जो डिज़ाइंस और ड्राइंग जो आर्ट कैप देख रहे हैं हम लोग, एक से बढ़कर एक है। वाकई में संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं लोग और एक तारीफ है काबिल और दैनिक भास्कर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भास्कर एक ऐसा माध्यम है जहां प्रत्येक प्लेटफॉर्म को जोड़ रहे हैं, किसी भी फील्ड का हो, सारे फील्ड को ये लोग कवर कर रहे हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो छूटा हुआ हो। इवन यहाँ तक कि सभी लोगों को इसमें भागीदार बना रहे हैं और कई ऐसे क्षेत्र होते हैं बहुत लोग इसको टच नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग इसको कवर कर रहे हैं। और मैं स्वयं चूँकि वर्षों से भास्कर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का परिवार इतना संवेदनशील है, चाहे वो किसी भी समूह का हो, सबके लिए समर्पित हैं। चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे आपका शिक्षा का हो, चाहे अन्य प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं उनको प्रोत्साहित करने का हो, सब आप पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ। क्योंकि मैं स्टार्टअप्स का नोडल ऑफिसर भी हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, जो मुझे मिला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के लिए। यहाँ जो बच्चों ने ये छोटे-छोटे पेंटिंग्स और ये सब बना रहे हैं, आर्ट्स बना रहे हैं, इनकी जो मार्केटिंग अगर अच्छे से की जाए तो मेरे ख्याल से जबलपुर के लिए पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं ये। और जैसे हमारे मार्बल की रॉक्स का जो बनाया हुआ स्टैचू, ये बहुत ही शानदार है। और जो ये अपने हाथों से मूर्ति बना रहे हैं, ऐसी कला बहुत कहीं कहीं देखने को मिलती है जो यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं।
लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जबलपुर के जितनी भी ये प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, इसको जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनरली इंसान के पास कला होती है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो वो कुछ कर नहीं पाता है। मैं साधुवाद देता हूँ दैनिक भास्कर को कि उन्होंने, और इतना लंबा एक महीने का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे जरूर जो छुपी हुई प्रतिभाएँ सामने आएंगी। लजीज जायकेदार व्यंजनों के स्टॉलों पर लोग चटखारे लेते नजर आ रहे हैं और इन व्यंजनों को भरपूर तारीफ भी मिल रही है। फनफेस्ट में नाट्य लोक संस्था द्वारा भी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत संदेश पर आधारित नुक्कड़ नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति दी। क्या यही श्रद्धा है हमारी नर्मदा जी की तरफ? हम साल में दो गलती करते हैं, गणेश चतुर्थी पे नवरात्रि में। जो मूर्ति हम बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, पानी में नहीं घुलती। जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें घातक केमिकल होते हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को बढ़ावा देते हैं। पानी का रंग देखो कैसा हो गया, साफ पानी रेवा का मटमैला हो गया। रे भैया पानी का रंग देखो कैसा हो गया। आयोजन अच्छे चल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इतने दिनों से अपन 2 साल कोरोना काल में कुछ नहीं देख पाए, तो आदमी निकलने की सोचता है, और अगर मनोरंजन हो तो और अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा आयोजन है, जबलपुर शहर में भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आजकल होने लगी हैं, देख के अच्छा लगता है। खासकर अट्रैक्शन है ये जो पेंटिंग्स हैं, जो भी आर्टिस्ट है बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं, और ऐसे लगने चाहिए फेस्ट जबलपुर में। थैंक यू। मज़ा आया हम लोगों को, 1 घंटा हम लोगों का कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला, और आके अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। अलग अलग फूड खाए हमने, बहुत सालों बाद जो अलग शहर में खाए थे वो यहाँ खाए, अच्छा लगा। ऐसा और होता रहना चाहिए। थैंक यू। आँखें हैं पर देखते नहीं, देख के भी कुछ करते नहीं। अरे क्यों इस गंदगी, इस बदबू ने हमें घेरा, और न जाने कब होगा सुनहरा सवेरा।